हेलो गाइस, तो क्या आप सब जानते हैं कि हमारा जो गैरना फ्री फायर है वो हमारी हर एक कदम पर नज़र रखता है? या फिर क्या आपको ये पता है कि हमारा जो डेंजर जोन है वो हमारे गेम पर कितने बार गिरता है? अगर नहीं पता और आप ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हो हमारे गेम के बारे में, तो यार ये वीडियो पूरा देखो। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो यार वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और साथ ही बगल वाला बेल आइकन जो आएगा उसे भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर डाल दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। इस इंट्रो के बाद आप सबका दोबारा स्वागत है। तो भाई जो हमारा पहला फैक्ट है उसको मैंने नाम दिया है इज गेरना स्पाइंग ऑन अस। तो भाई ये जो फैक्ट है ना, ये कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता होगा, और आई गेस ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। तो जो आप अभी OB19 के बाद हमारा जो एनिमेशन आता है प्लेन वाला, जब आप मैप खुलता है आपका, तो उससे पहले एक प्लेन आने वाला एनिमेशन दिखाता है। तो उस टाइम नीचे पे कुछ लिखाता है, अगर आप गौर करोगे तो वहाँ पर, क्या आपको पता है कि वहाँ नीचे क्या लिखाता है? तो भाई वहाँ पर आप जिस टाइम पर वो गेम स्टार्ट हुआ है उस टाइम, और साथ ही जिस डेट पे आपने खेला है वो मैच, वो वाला डेट, और साथ ही में आपने जिस कैरेक्टर को यूज़ किया है, जो पहला कैरेक्टर होता है, मतलब जो जिसकी बॉडी होती है, वो वाला कैरेक्टर कौन सा है, उसका नाम नीचे लिखा के आता है। तो भाई ये हमारा जो फैक्ट है ना यार, किसी को पता नहीं है। तो आज मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता होगी। तो भाई अब समझ गए कि वहाँ नीचे पर क्या लिखा के आता है और क्यों आता है। और यही था कि हमारा जो गैरना फ्री फायर है कि हमें कैसे स्पाई करता है, क्योंकि भाई उसे हमारा हर एक गेम के बारे में पता है कि वो कितने देर तक चला, कब कब स्टार्ट हुआ हर चीज़, और ये हमें डिटेल में स्टार्टिंग भी दिखाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड फैक्ट की तरफ। जो हमारा सेकंड फैक्ट है, ये आप फैक्ट नहीं, एक तरह से टिप ले सकते हो, मतलब टिप एंड ट्रिक वाली जो होती है ना, वो आप ले सकते हो। तो ये जो सेकेंड टिप है, इसको मैंने नाम दिया है फर्स्ट स्लॉट शॉर्ट रेंज गन, ठीक है? तो हमें जो गन के दो स्लॉट है होते हैं हमारे गेम पे, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारा जो पहला स्लॉट होता है ना, जो आप ये अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वाला स्लॉट, ये स्लॉट, इस पे आपको हमेशा शॉर्ट रेंज गन रखनी चाहिए। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, सिंपल है भाई। देखो, आप जब ग्रेनेड या ग्लूवाल यूज़ करते हो ना, तो सबसे पहले यही वाला गन निकलता है, ठीक है? अब आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, मैं अभी यहाँ से ग्रेनेड फेंकूँगी, मतलब लैंडमाइन फेंकूँगा, और फिर देखना मेरी कौन सी गन निकलती है और ये वाली गन मेरे पास किस साइड है। और अगर आपको ये जानना है कि कौन सा फर्स्ट शॉट है, तो यहाँ बैक खोल के आप ये देख सकते हो, ये वाला होता है। और साथ ही में जब आप नॉर्मली बिना बैक को, आपको कैसे पहचानना है कि आपका पहला शॉट कौन सा है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। जो ये आप राइट साइड में आपके जो भी गन टंगा होगा ना, वो हमेशा होता है आपका फर्स्ट स्लॉट। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा फर्स्ट स्लॉट पे शॉर्ट रेंज गन यूज़ करना, मतलब रखना, क्योंकि भाई उससे आपको शॉर्ट रेंज फाइट में ज़्यादा मदद होगा। जैसे कि आप ग्लूवाल यूज़ करते हो, वो मैक्सिमम आप शॉर्ट रेंज जो फाइट होती है उस पर यूज़ करते हो, तो आप वाल लगाया और तुरंत से आपको फाइट करना होता है, जिसके लिए आपको शॉर्ट रेंज गन ज़रूरत होता है। इसलिए हमेशा शॉर्ट रेंज गन को फर्स्ट स्लॉट में रखा जाता है। और याद रहे, जो हमारा फर्स्ट स्लॉट होता है वो हमेशा राइट साइड वाला गन होता है। तो दो फैक्ट्स हो गए भाई। अगर आपको ये दोनों फैक्ट्स पसंद आए तो यार नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको पसंद आए। और साथ ही में अगर अच्छी लग रही है वीडियो, तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यार आप लोग लाइक नहीं करते, यार लाइक करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे, मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं, और ऊपर से वीडियो भी आप लोगों के लिए देना है, तो समझ रहे हो ना भाई, वीडियो में लाइक दोगे तभी ना नई वीडियो जल्दी जल्दी लाऊंगा। तो वो सब छोड़ो, चलो बढ़ते हैं हमारे तीसरे फैक्ट की तरफ। जो हमारा तीसरा फैक्ट है वो है हमारा मूवमेंट वाइल ओपनिंग द बैग, ठीक है? तो क्या आपको ये पता है कि आप मूव करते हुए बैग खोल सकते हो? ये तो सबको पता है, लेकिन आप जब लूट करते हो तब आप मूव कर सकते हो, क्या आपको ये पता है?
तो भाई ये आप कैसे कर सकते हो? देखो, आप जब बैग खोलते हो ना, तो ये वाला जो स्पेस होता है ना, आप अगर इस वाले स्पेस में अपने फिंगर को मूव करोगे या फिर वहाँ से स्लाइड करोगे, तो वो आपका एक मूवमेंट की फिर काम करेगा और आप वहाँ से इजीली मूव कर सकते हो वहाँ से स्लाइड करके। लेकिन इसमें दिक्कत एक ही चीज़ होती है कि आप जो राइट एंड लेफ्ट नहीं देख पाओगे, आप जिस डायरेक्शन पर देख रहे हो उसी डायरेक्शन पर आगे या पीछे दौड़ोगे या फिर लेफ्ट राइट दौड़ोगे, लेकिन आपका जो एंगल होगा व्यूइंग का वो चेंज नहीं होगा। और साथ ही में ये चीज़ आपको मदद करेगी लूट करते टाइम, ठीक है? और उस टाइम आप कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप बस मूवमेंट की को दबा देना, मतलब दबाना नहीं, मतलब बोल रहा हूँ मूवमेंट की यूज़ करते रहना, और साथ ही में जो बगल में हमारा बैग वाला आइकन आता है ना उसको प्रेस कर देना, तो जिससे हमारा बैग खुल जाएगा। लेकिन आपने मूवमेंट की पहले से प्रेस रखा है, जिसके कारण मल्टी टच जो हमारा फ़ोन का फैसिलिटी होता है, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का मल्टी टच जो फैसिलिटी होता है, उसके कारण आप इजीली मूवमेंट करते हुए भी बैग खोल सकते हो और इजी लूट कर सकते हो। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा, जब आप किसी बंदे को लूटते हो तो मैक्सिमम टाइम जब आप बैग खोलते हो आप मूव नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ इस तरीके से आप मूव करते हुए भी बैग लूट सकते हो, जिससे आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। वरना होता ये है कि आप जब बिना मूव किए लूटते हो तो आप एक ही जगह पर बैठे रहते हो या खड़े रहते हो, जिससे आपको हेडशॉट पड़ने का या फिर डैमेज खाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ। तो लास्ट जो फैक्ट है वो है हमारा डेंजर जोन के रिगार्डिंग। जी हाँ गाइस, इसको मैंने नाम दिया है काउंट द डेंजर जोन। तो भाई ये जो है ना, इस पर आपको पता चलेगा कि डेंजर जोन कितने बार गिरेगा या फिर कितने बार गिरता है, ठीक है? तो सिंपली जब आप किसी डेंजर जोन में फंसे हो ना, तो आप बस ये काउंट करोगे कितना वो आवाज़ दिया है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो डेंजर जोन होता है ना, वो मैक्सिमम 5 to 7 टाइम्स, मतलब 5, 6 या 7, इन तीनों में से कोई भी रैंडमली इतने बार सिर्फ गिरता है, 5, 6 और 7, इन तीनों में से कोई भी रैंडम नंबर पे गिरता है। तो भाई आप अब बोलोगे ये क्या फ़ायदेमंद होगा? भाई ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इजीली बस ये काउंट में याद रखना कि कितना बार गिर चुका है, आप निकल सकते हो। नहीं तो होता ही है कि आपको पता नहीं होता कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, आप वो लाइट बुतने का इंतज़ार करते हो। लेकिन मैं जो बताना वाला हूँ कि जो हमारा क्या कहते हैं उसको, साउंड जो होता है ना, मतलब जो साउंड इफेक्ट आता है बम फटने का, डेंजर जोन वाला बम फटने का, वो आखिरी वाला पहले फटता है जब वो लाल बत्ती हटे, उससे पहले ही फटता है, ठीक है? तो आपके पास बहुत सा टाइम होता है, मतलब वो कुछ सेकंड होते हैं जिस पर आप इजीली मूव कर सकते हो। और एक चीज़ जान लो कि जो हमारा आखिरी वाला जो डेंजर जोन का जो क्या कहते हैं वो, एक्सक्यूज मी, वो जो आखिरी वाला क्या कहते हैं उसको, बम जो होता है ना, वो जो फूटता है ना, वो कभी भी आपके ऊपर नहीं फटेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ये 4 चीज़ आपके ऊपर गिर जाए, लेकिन आखिरी वाले कभी भी आपके ऊपर नहीं फूटेंगे। ये सिर्फ साउंड इफेक्ट होते हैं, तो कभी भी आखिरी वाले बम से मत डरो, सीधा निकल जाओ, सामने वाले बंदे को चकनाचूर कर दो, जो करना है करो भाई, बस आखिरी वाला आपके ऊपर नहीं फूटेगा, ये जान लो। तो भाई ये थे कुछ 4 फैक्ट्स हमारे गेयर ना फ्री फायर के बारे में और गेम के बारे में। तो आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। क्या मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूं, ये भी मुझे बता सकते हो। और हाँ, मैं जानता हूं कि यहाँ सिर्फ 4 ही फैक्ट्स हैं इस बार, क्योंकि भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है। तो बस इसीलिए मैंने सिर्फ 4 फैक्ट्स रखे हैं। अगर पसंद आया आपको तो लाइक करते चलो और नीचे कमेंट में बताते चलो कि आगे ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूँगा। बस अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।